निकाह पर दूल्हे को बार बार गले लगाकर बधाई दे रही थी मोहतरमा, बुर्का हटाने पर खुला असली राज। आइए जानते हैं इस घटना के बारे में, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शादी में दूल्हा और दुल्हन को बधाई देने का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। इस दौरान दूल्हा और दुल्हन के दोस्त, रिश्तेदार और ऑफिस के साथी स्टेज पर आकर उन्हें गिफ्ट और बधाइयां दे जाते हैं। इस दौरान कई बार ऐसी चीजें भी हो जाती हैं जो ना सिर्फ वहां पर मौजूद दूसरे लोगों को बल्कि दूल्हा और दुल्हन को भी खूब हंसाती हैं। पिछले कुछ साल से अब शादी में दोस्तों द्वारा प्रैंक भी खूब होने लगा है। इसी तरह के प्रैंक का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं इस दिलचस्प वीडियो को। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक निकाह चल रहा है। स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन बैठे हुए हैं। इस दौरान एक एक करके गेस्ट आते हैं और उन्हें बधाई देकर चले जाते हैं। ये सिलसिला चलता ही रहता है कि अचानक स्टेज पर बुर्के में एक मोहतरमा की एंट्री होती है। वो दूल्हा और दुल्हन को बधाई देती हैं। इसके बाद वो दूल्हे से कुछ कहकर उसे गले लगा लेती हैं। बुर्के वाली महिला दूल्हे को एक बार नहीं बल्कि कई बार गले लगाती हैं और महिला की लगातार इस हरकत से दूल्हे को अजीब लगने लगता है। इस बीच दुल्हन भी देखती रह जाती है कि आखिरकार ये महिला कौन है जो दूल्हे राजा को इतना गले लगा रही है। लड़के के परिवार वाले भी हैरानी से उस महिला की तरफ देखने लगते हैं। अब वो महिला रहस्य से पर्दा हटाती है और अपना बुर्का हटा देती है। बुर्का हटाते ही हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल बुर्के में कोई महिला नहीं बल्कि एक लड़का था जो दूल्हे का दोस्त था। वो दूल्हे से प्रैंक कर रहा था। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग खूब हंसते हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब यूजर्स को हंसा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।